friend जिन्होंने 22 years की एज में इसकी बातों को अपने घर जाते थे तो घर में लोग उसे देख रहे हैं आप देख सकते हैं स्वागत है आप सबका मैं अमित कुमार मोटिवेशन स्पीकर फिर आप लोगों के सामने ओके फ्रेंड्स आज हमारा टॉपिक है पैशन को प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट करें ध्यान से सुनना पैशन को प्रोफेशनल में कैसे कन्वर्ट करें लिसन अगेन पैशन को प्रोफेशनल में कैसे कन्वर्ट करें आपने देखा होगा फ्रेंड्स आजकल हर कोई डिसाइड सोचने में लगा हुआ है डिसाइड करने में लगा हुआ है कि यार मुझे अपने फ्यूचर में क्या करना है कभी आपने सोचा है कि आप लोगों को फ्यूचर में क्या करना है कोई डिसाइड करता है कि आप लोगों को फ्यूचर में क्या करना है 100 में से ओनली 5% ऐसे बच्चे होते हैं जो राइट पैसेज चुनते हैं सही रास्ते चुनते हैं और वो भी कैसे सिर्फ अपने पैशन के बदौलत धोनी को देखा आपने उसके अंदर क्रिकेट खेलने का पैशन था तो आज देखो क्या कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आज हमारा यही टॉपिक है कि अपने पैशन को प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट करें कैसे बूस्ट करें अपनी लाइफ को कितना बूस्ट एंड बाउंस करें कि हमारा पैशन हमारा प्रोफेशन बन जाए तो फ्रेंड्स हम सोचते रहते हैं हम अपने अपनी लाइफ में क्या करना है कैसे करना है क्या बनना है आप इन सारी चीजों को एक तरफ करें सिर्फ ये चीज सोचने में लगाएं कि आपके अंदर कौन सा पैशन है उस पैशन को बूस्ट करो बाउंस करो फिर से बोलता हूं उस पैशन को बूस्ट करो बाउंस करो जब तक उस पैशन को बाहर निकालोगे ना वो प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे सोसाइटी में देखो कि आपका पैशन किसके क्या क्या काम आ सकता है कैसे काम आ सकता है फिर से सुनना फ्रेंड्स आपका पैशन पब्लिक के कैसे काम आ सकता है फिर से बोलता हूं आप लोगों का पैशन पब्लिक के कैसे काम आ सकता है कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका आपके अंदर पैशन है आप बनाओ पब्लिक का भला हो जाए कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स जो आप बनाओ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भला हो जाए तो फ्रेंड पैशन ढूंढो बूस्ट करो प्रोफेशनल बनाओ और ये देखो कि किसके क्या काम आ सकता है अगर पब्लिक के काम आ सकता है तो आप उसको प्रोफेशनल बना सकते हो अपने पैशन को अदरवाइज नहीं बना सकते तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि अब पैशन किसके अंदर होता है जो पागल आदमी होता है बुद्धिमान आदमी कभी पैशन नहीं रखेगा पागल आदमी हमेशा पैशन रखेगा बुद्धिमान आदमी हमेशा पढ़ता है पैशन जिसके अंदर होता है वो हमेशा करता है जिसके अंदर पैशन होता है ना वो रात को ही नहीं देखता 10 बज गया सूर्य डूब गया जिसके अंदर पैशन होता है ना वो कहता है ओह 2:30 बज गया सुबह होने वाली है कोई बात नहीं लगे रहो जब तक ये होगा नहीं ना मैं इसका पीछा नहीं छोड़ना ध्यान से सुनना फ्रेंड्स जिसके अंदर पैशन नहीं होता 10 बज गए थोड़ी का टाइम होगा बट जिसके अंदर पैशन होता है वो कहता है 2:30 बजे अभी सुबह होने वाली है पैसा जब तक होगा नहीं ना मैंने इसका पीछा नहीं छोड़ना फ्रेंड्स फॉर एग्जाम्पल धीरू भाई अंबानी 12 साल के थे स्कूल से आते थे घर में बैग फेंकते थे और जाते थे पकोड़े बेचना शुरू कर देते थे एक आदमी ने पूछा बेटा क्या बात है घर वाले खर्चा नहीं देते गरीब हो वो भी सोच रहे यार 12 साल का बच्चा पकोड़े बेच रहा है कहता है अंकल आप पकोड़े खाओ ना आपको पकोड़े खाने से मतलब है आप ये क्यों देख रहे हो 12 साल का बच्चा पकोड़े बेच रहा है कहता बेटे नहीं मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया कहता अंकल मुझे बिजनेसमैन बनना है इंडिया का नहीं वर्ल्ड का बिजनेसमैन नंबर वन बनना है तो फ्रेंड अगर पैशन हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो बस समझने वाली बात है आप अपने पैशन को कितना बूस्ट करते हैं कितना बाउंस करते हैं और कितना बैक करते हैं मैं आपको बताता हूं मेरा पैशन कौन मेरा पैशन है विवेक बिंद्रा सर आज से नहीं कई सालों से और मैं अपना पैशन
प्रोफेशनल में 100% करूँ लेके जाऊंगा। तो कई सारे एग्जांपल्स हैं, आपने नाम सुना होगा हमारे संजीव कपूर। आपको पता है जब उनकी मदर अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाती थी तो संजीव कपूर जी कहते थे, मदर क्या बात है, दीदी को खाना सिखाओगे, मुझे नहीं सिखाओगे, क्यों? तो वो जब उनकी दीदी खाना सीखती थी तो वो भी सीखते थे साथ में खड़े होके, क्यों? उनके अंदर पैशन था, पैशन पैशन पैशन, निकालो पैशन अंदर से, प्रोफेशनल में तभी जाओगे। तो फ्रेंड्स, आज संजीव कपूर का आप बिलीव नहीं करेंगे 300 करोड़ की वैल्यूएशन है, मान सकते हो 1300 करोड़। एक आइडिया बता रहा हूं आपको, इसके आसपास ही होगी, यू नो दैट। और एक हमारे किशन भाई पटेल, जिन्होंने 22 इयर्स की एज में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, एक लैब में जॉब करते थे। लैब में जॉब करने के बाद जब वो अपने घर जाते थे तो घर भी वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। उन्होंने क्या किया, यू नो दैट क्या किया, उन्होंने एक चीज का इन्वेंशन किया, मेरी ही तरह जैसे मैंने एडिक्शन की मेडिसिन बनाई, उन्होंने भी एक चीज का इन्वेंशन किया, और वो चीज थी वॉशिंग पाउडर निर्मा, जो आज घर 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 सुनोगे, घर 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 घर, हर घर की स्त्री, हर घर की नारी, हर घर के बच्चे, हर घर के इंसान जो यूज करते हैं, जिसके बगैर आप अपने कपड़े वॉश करके दोबारा रीयूज नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, उन्होंने वॉशिंग पाउडर का को जन्म दिया, इन्वेंशन किया, कुछ भी कह सकते हैं, और आज की डेट में घर घर में आपका चलता है वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध सी सफेदी मेरे जहां से आई, देख रहे हैं आप देख सकते हैं, ये बुद्धिमान नहीं थे, पागल थे, पैशनेट थे, इसीलिए आज प्रोफेशनल बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना है तो बूस्ट बाउंस देन बाउंस देन बैक, बूस्ट एंड बाउंस करिए, राइट फ्रेंड्स। और विवेक इंद्र सर, आपको भी मैं सलूट करता हूँ, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और होप करूंगा आपको देख देख के बहुत कुछ सीखता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए बूस्ट, नए बाउंस और नए बूस्टर के साथ। लव यू ऑल, गुड नाइट। हाय फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार, मोटिवेशन स्पीकर, आप लोगों का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप लोगों का सब्सक्राइब और लाइक्स जितने ज़्यादा मिलेंगे उतना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और